हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। सीबीआई ने फेसबुक यूजर्स का डेटा चोरी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में सीबीआई ने ब्रिटेन स्थित पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके अलावा इसी मामले में ग्लोबल साइंस रिसर्च लिमिटेड के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि इन दोनों कंपनियों पर 5.62 लाख भारतीय फेसबुक यूजर्स के निजी डेटा की कथित चोरी का आरोप है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद को पहले बताया था कि फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा चोरी मामले में सीबीआई जांच होगी। वहीं सोशल मीडिया कंपनी ने एजेंसी को भेजे अपने जवाब में कहा था कि ग्लोबल साइंस रिसर्च लिमिटेड ने भारत में अवैध रूप से करीब 5.62 लाख भारतीय फेसबुक यूजर्स के पर्सनल डेटा जुटाए और इसे कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ शेयर कर दिया। आरोप है कि कंसल्टिंग फर्म ने तब डेटा का उपयोग भारत में चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया था। गौरतलब है कि मार्च 2018 में कई इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने बताया था कि उनकी परमिशन के बगैर करीब 5 लाख से अधिक यूजर्स के फेसबुक प्रोफाइल से पर्सनल डेटा चोरी हुआ है। इसके लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका के पूर्व स्टाफ, सहयोगियों और डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिया गया था। इन आरोपों के बाद सीबीआई ने कैम्ब्रिज एनालिटिका और उसके खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की है। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर गलत तरीके से 5 करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर्स के प्रोफाइल्स से डेटा जुटाकर चुनावों को प्रभावित करने का आरोप है। इस मामले के सामने आने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन की एजेंसियां फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका की जांच कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर कैम्ब्रिज एनालिटिका की सेवाएं लेने का आरोप लगाया है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.